एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये हम लोग आ गए हैं वृंदावन की प्रेम मंदिर में, और यहाँ की खूबसूरती आप देख सकते हैं, मतलब देखने लायक ही होती है, नज़र आपकी हट ही नहीं सकती। इतना प्यारा सा यहाँ का मतलब व्यू है, बहुत ही प्यारा सा मंदिर है ये वृंदावन का। और प्रेम मंदिर में अगर आप नाइट में आते हैं ना, तो बहुत ही प्यारा लगता है, लाइटिंग वगैरह काफ़ी अच्छे से, बहुत ही मतलब खूबसूरत लगता है। और अगर आप डे में आते हैं तो ये पूरा आपको वाइट दिखता है, सो वो भी बहुत ही प्यारा लगता है। और यहाँ पे काफ़ी प्यारे प्यारे इसी भगवान जी की मतलब बचपन से जुड़ी काफ़ी सारी मतलब झांकियाँ बनी हुई हैं, भगवान जी की मूर्तियाँ काफ़ी सुंदर सुंदर सी हैं। और नाइट में ये देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही हैं, और डे में तो बहुत ही सुंदर लगता है। सो काफ़ी प्यारे प्यारे सी मतलब गायें बनी हुई हैं, मतलब ग्वाले हैं, बहुत कुछ है। सो देखने लायक है, बहुत प्यारा लगता है। बट वीडियो में मतलब वहाँ पर थोड़ा सा लाइट का मतलब हल्का सा वैसा लग रहा था, तो कहीं कहीं से मतलब थोड़ा सा बराबर मतलब प्रॉपर दिख नहीं पा रहा था, लाइट की फ्लैश ज़्यादा आ रही थी इसकी वजह से। और यहाँ देख सकते हैं ये अब मतलब जब भगवान जी ने कालियाना को यमुना नदी में जब हराया था, तो सब तब का यहाँ पे मतलब सीन दिखाया गया है। और ये देख सकते हैं ये बीच बीच में मतलब चलता रहता है, मतलब ऐसा मतलब बनाया गया है कि आपको लगेगा कि ये ब्लड है, सो इसी तरीके से मतलब निकलता रहता है, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर सा लगता है। और ये देख सकते हैं आप हमारे प्यारे से वृंदावन का प्रेम मंदिर, जो कि मतलब क्या ही बताएं अब यहाँ के बारे में। सो जो भी लोग आए होंगे वृंदावन से, उनको पता होगा कि यहाँ की खूबसूरती की मतलब कोई जवाब ही नहीं है। तो ये देख सकते हैं आप मतलब अलग अलग कलर्स की लाइट लग है यहाँ पर, जो कि बहुत ही प्यारी लगती हैं। और यहाँ पे स्पेशली जब जन्माष्टमी का मतलब होता है टाइम, तब यहाँ पे कुछ स्पेशल झांकियाँ लगती हैं भगवान जी की, सो वो भी बहुत ही प्यारी लगती हैं। जैसे कि मतलब पूतना का भी है, वो सब झांकियाँ बनती हैं जो कि काफ़ी प्यारी लगती हैं। अगर आप जन्माष्टमी के टाइम पे यहाँ पे जाते हैं तो मतलब बिल्कुल देखने लायक होता है, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। तो वो सब मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू बनाया जाता है कि आपको मतलब रियलिटी लगेगा बिल्कुल, मतलब ऐसा लगेगा कि आप मतलब वृंदावन के सारे जो मतलब नज़ारे हैं, मतलब जो हुआ है वो आप अपने आंखों के सामने देख रहे हैं, वैसा आपको फील होगा। सो काफ़ी मतलब वीडियोस पड़े हुए हैं, अगर आपको देखना तो आप जाके देख सकते हैं। सो हमारा ये प्यारा सा वृंदावन का प्रेम मंदिर, जो कि भगवान श्री कृष्ण और राधा जी और राम सीता जी को समर्पित है। और इस मंदिर की स्थापना जो है पांचवें जगत गुरु कृपालु महाराज द्वारा किया गया था। और ये मंदिर इतना बड़ा है, मतलब इतने बड़े प्लेस में बना हुआ है, कि इसको बनाने में पूरे 1000 मजदूर लगे थे, और ये मंदिर 11 साल में बन के रेडी हुआ था। और देख सकते हैं कि कितना बड़ा है, तो इतना टाइम तो लगना ही है। और ये मंदिर मतलब 2001 में स्टार्ट किया गया था, और इसका उद्घाटन जो है वो 15 फरवरी 2012 को हुआ था। और मतलब लोगों के दर्शन के लिए यहाँ पे मतलब आई थिंक 17 फरवरी को स्टार्ट कर दिया गया था यहाँ पे मतलब लोगों को दर्शन करने के लिए। और कहते हैं कि मतलब मंदिर की जो हाइट है वो 125 फीट है, और लंबाई कहते हैं मतलब 122 फीट है। और ये मंदिर जो है पूरा मतलब संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है, और जो कि मतलब अदर कंट्री से मंगाया गया था, आई थिंक इटली से मंगाया गया था। तो यहाँ पर अर्जुन जी का रथ भी बना हुआ है, और ये हमारे प्यारे से कान्हा जी गोपियों के साथ रास करते हुए तो कुछ मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि बस देखते ही रहो, बिल्कुल मतलब नज़र ही नहीं हटती, इतना सुंदर लगता है। और गोवर्धन पर्वत भी बना हुआ है, सो अभी आपको दिखाएंगे। एंड ओवरऑल अगर कहा जाए कि मतलब यहाँ की खूबसूरती का कोई जवाब ही नहीं, इतना प्यारा लगता है। और ये हमारा प्यारा सा प्रेम मंदिर, जो कि मतलब क्या ही बताएं। सो जो भी वृंदावन गए होंगे सो उनको तो पता ही होगा यहाँ के खूबसूरती के बारे में। तो इस मंदिर में मतलब टोटल 94 मतलब पिलर बने हुए हैं, जो कि मंदिर की जो ब्यूटी है उसको मतलब बिल्कुल इंक्रीज़ कर देता है, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। और यहाँ पे लाइटिंग मतलब बहुत ही प्यारी है, वो तो आप देख ही सकते हैं।
और यहाँ पर मतलब अपने इंडिया के नहीं, काफ़ी लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए बाहर से भी काफ़ी लोग आते हैं। और यहाँ मतलब होली और दिवाली का जो यहाँ पे सीन होता है वो देखने लायक होता है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये फाउंटेन शो होता है जो कि शाम को आई थिंक 7 PM से स्टार्ट होता है, 7:30 तक रहता है। और इस फाउंटेन शो में लेज़र लाइट के थ्रू भगवान जी की छवि बनती है जो कि बहुत ही प्यारी लगती है। तो यहाँ पर हम लोग ने थोड़ी देर बैठ कर फाउंटेन शो देखा, एंड तो आपको भी दिखाते हैं। ये देख सकते हैं मतलब यहाँ के मतलब जवाब ही नहीं है यहाँ के बारे में। यहाँ पर हमारी बातें चल रही थी और हम लोगों ने साथ में काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। सो नेक्स्ट ट्रिप देखते हैं हम लोग कहाँ जाते हैं साथ में। और ये देख सकते हैं आप, ये गोवर्धन पर्वत जो भगवान जी ने अपने एक उंगली पे उठाई थी। सो ये देख सकते हैं, ये भी बहुत ही प्यारा लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा है, मतलब देखने लायक होता है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी की झांकियाँ तो देख ही सकते हैं आप कि कितनी खूबसूरत हैं। साथ ही यहाँ पे भगवान सीताराम जी का भी है फूल बंगला, बट भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी और टाइम भी हो गया था तो हमें पता नहीं था। बट नेक्स्ट टाइम अगर भगवान जी ने चाहा सो उनका बुलावा अगर आता है तो हम ज़रूर जाएंगे और देन आपको ज़रूर दिखाएंगे। सो ये देख सकते हैं आप, कितनी प्यारी लग रही हैं। तो हमारा ये प्यारा सा प्रेम मंदिर में आपको फाउंटेन, भगवान श्री कृष्ण जी और राधा जी की झांकियाँ, गोवर्धन मतलब धारण लीला, कालिया नाग दमन लीला, झूलन लीला है। सो ऐसे बहुत कुछ यहाँ पे मतलब झांकियाँ बनी हुई जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती हैं। और यहाँ पर गोवर्धन पर्वत के जस्ट सामने इतना ज़्यादा ठंडा रहता है ना कि बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर लाइटिंग ऐसा है कि ये हर 30 सेकंड में चेंज होता है जो कि वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। और इस मंदिर में एक परिधि मार्ग भी है जिसमें 48 फलक हैं जो कि श्री राधा कृष्ण के अतीत को दर्शाते हैं। इसके अलावा मंदिर के बाहरी हिस्से में मतलब 84 पैनल भी लगाए गए हैं। और मंदिर के अंदर भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाएं और चमत्कार के मतलब पेंटिंग भी बनी हुई जो कि काफ़ी सुंदर लगती है। और प्रेम मंदिर की जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे भगवान कृष्ण और राधा जी की मूर्तियाँ मतलब हैं, और जो सेकंड फ्लोर है वहाँ पे भगवान राम जी और सीता जी को मतलब मूर्तियाँ बनी हुई हैं, मतलब उनके रिलेटेड सब कुछ वहाँ पर बना हुआ है। तो अब हम चलते हैं दर्शन करने के लिए। और यहाँ की जो भीड़ है वो आप देख सकते हैं। और यह मंदिर मॉर्निंग के 5:30 बजे खुलता है और रात के 8:30 बजे बंद हो जाता है। और मॉर्निंग के 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक मंदिर मतलब बंद कर दिया जाता है, भगवान जी को भोग लगाते हैं सो इसकी वजह से। और मॉर्निंग के 8:30 बजे से लेकर 12 बजे तक दर्शन के लिए मतलब स्टार्ट कर दिया जाता है। इतनी ज़्यादा भीड़ होने के बावजूद भगवान जी के दर्शन हमें बहुत अच्छे से हो गए थे। सो यहाँ पर मैंने इसकी रियल वॉइस ही रखी है ताकि आप लोग भी फील कर पाएं।
दर्शन भी काफ़ी अच्छे से हो गए हैं। वैसे तो यहाँ पे मतलब रिकॉर्डिंग वगैरह फ़ोटो वगैरह अलाउड नहीं है, बट मतलब ये होता है ना कि ऐसा मेमोरी हमारे पास रहती है, सो वो बहुत अच्छा लगता है। सो जहाँ भी थोड़ा बहुत रहा है पॉसिबल, वहाँ पे मैंने कैप्चर करने की पूरी कोशिश करी है, और जहाँ नहीं था वहाँ पे सो सॉरी फॉर दैट। सो ये हमारा प्यारा सा प्रेम मंदिर जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ही सुंदर है, और अफसोस अब इस बात का हम लोग को लग रहा है कि हम लोग सेकेंड फ्लोर पे नहीं जा पाए। एक्चुअली हम लोग को पता भी नहीं था, और भीड़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी भयंकर वाली थी, और बच्चों को साथ मतलब रख कर इतनी भीड़ में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट दर्शन तो हमारे हो गए थे सभी जगह के, काफ़ी अच्छे से हमने दर्शन किए। और ये हम लोग आ गए हैं बाहर की तरफ, और अब हम लोग डायरेक्ट जाएंगे होटल अपने, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट डे जहाँ भी जाएंगे उसका भी ब्लॉग आपके साथ जल्द से जल्द शेयर करेंगे। सो ये देख सकते हैं आप हमारी राधा रानी जी का नाम कितनी खूबसूरती से यहाँ पे मतलब लिखा गया है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। सो अब हम लोग निकल रहे हैं बाहर की तरफ, सो आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग भी जल्दी शेयर करेंगे। जो भी मेरे चैनल पर ना है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियोस की आने वाली सारी अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। सो ये वीडियो आपको कैसे लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और कॉमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। सो ये हमारी वहाँ की कुछ पिक्स हैं। सो जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए राधे राधे। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। राधे 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 बोल।